सो हेलो गाइज, मानु विजय एंड बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं वीवो के Y53 में एप्लीकेशन लॉक कैसे लगाएं। एक्चुअली गाइज बता दूं, ये बहुत ही इजी है और सभी लोग इसे आसानी से कर सकते हो। आई एम श्योर कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों इस तरीके का लाइक ये वीडियो क्या है। फिर भी बता दूं गाइज, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे यार, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता ना हो इसके बारे में, और जो लोग जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी। एंड जो लोग नहीं जानते वीडियो को कंटिन्यू देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे एप्लीकेशन लॉक लगाते हैं वीवो के Y53 डिवाइस में। एंड मैं बता दूं, काफ़ी लोग जो हैं इसे जानते हैं, रियली जानते होंगे यार, क्योंकि काफ़ी नॉर्मली सा ऑफ सेटिंग्स है जिसे जानते होंगे। अगर आप लोग यूज करते हैं कोई पैटर्न पासवर्ड वगैरह तो ज़रूर जानते होंगे, और नहीं जानते तो इस वीडियो को देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें एप्लीकेशन लॉक लगाया जाता है। तो चलो दिखाते हैं आपको कैसे करना। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप को लॉक करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, फ़ोन की सेटिंग में। मैं सेटिंग को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डेमो थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ ध्यान से देखना होगा। अगर आप नहीं जानते तो, जानते होंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन, इसे सिंपली क्लिक कर देना। तो चलो हम सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। गाइस मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो फेस लॉक का ऑप्शन है। और गाइस ये बता देना एक चीज़ की, फेस लॉक जो है सभी के डिवाइसों में आ चुका है कि नहीं अभी? अगर नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर सकते हो हमें। वैसे बहुत लोग हैं यार, दो चार लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि फेस लॉक अभी नहीं आया वीवो के Y53 में। तो देखते हैं, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना। एंड यहाँ क्या करना है, प्राइवेसी एंड इंसर्ट पार्टीशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे सिंपली क्लिक कर देना। अभी क्या करना गाइस, यहाँ एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। न्यू पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, दोबारा से हम यहाँ पासवर्ड कर देते हैं क्रिएट। तो सेम पासवर्ड देना पड़ेगा, री एंटर पासवर्ड होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि अगर आप भूल गए पासवर्ड लगा के तभी आप इसे ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए इसको आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर बताइए कि आपका नाम क्या है, जो कि यहाँ पर अटैच कर सकते हो, प्राइमरी स्कूल, डिड यू अटेंड, कि अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहो इस एरो पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो एरो पे सेलेक्ट करके कर सकते हो। मैं यहाँ पर छोटा सा शॉर्टकट यूज कर देता हूँ, अपने नाम का फर्स्ट अक्षर यहाँ पर, यहाँ लास्ट अक्षर कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। अभी ये अभी हो जाएगा गाइस, अगर इसे डन करते हैं देख सकते हो चुका है। अभी क्या करते हैं, एप्लीकेशन ओवरऑल सारी आ चुकी हैं जो हमें यहाँ पर लॉक लगानी जिसपे। तो चलो हम कोई करते हैं, क्रोम ब्राउजर को कर देते हैं। क्रोम ब्राउजर हो गया ये, यहाँ पर फेसबुक हम कर देते हैं अपना, एंड यहाँ पर जीमेल हो गया। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लॉक कर दी हैं। डेफिनेटली अगर सारी चीज़ें कर देंगे तो दोबारा से अनलॉक भी करनी पड़ेगी। वैसे मैं इसका यूज नहीं करता, आप लोगों को बता दूं, आप लोग करते हैं तो आप डेफिनेटली इसका यूज करें। क्रोम ब्राउजर पर हमने लॉक लगाया, क्रोम ब्राउजर को ओपन करके देखते हैं पासवर्ड। एंड यहाँ पर हाँ, पासवर्ड मांग रहा है गाइस, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। फॉरगेट के बाद आपको वही ऑप्शन डालना पड़ेगा, देख सकते हो क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको बताया था। तो आप इसका यूज जरूर करना, क्वेश्चन आंसर का, ये आपका काफी हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए फोन। तो हम जो है अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल करते हैं, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया है गाइस, ये ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। होपफुली आपको गाइस ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।